ज्ञान हो रहा है, यहाँ तो ये लोग संस्कृत से भी चिढ़ते हैं जबकि संस्कृत श्रेष्ठतम भाषा है, तो यहाँ के लोग संस्कृत से चिढ़ रहे हैं, ईसाई मिशनरियाँ भी चिढ़ती हैं, बौद्ध भी चिढ़ते हैं और मुसलमान तो चिढ़ते ही चिढ़ते हैं। हालांकि बौद्ध ग्रंथ बहुत सारे हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन इसको ये लोग बदल करके धीरे धीरे संस्कृत के खिलाफ बोल करके और यहाँ उसको पाली और अन्य भाषाओं में इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये उसके खिलाफ में खड़े होकर के हिंदू संस्कृति के प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और उसको ये तीन जो गुट हैं वे तीन तरफ से फंड कर रहे हैं, तो उसमें चीन भी जो है वह और डेंजरस है। तो यह जो खतरा है, तो अब जातिवाद का बीज भड़का करके, क्योंकि भारत में देखिए जाति और धर्म यही दो चीज़ चलते हैं, वो आप देख लीजिए जितनी पार्टियां बनी हैं इसी आधार पर बनी हैं, आप देख लीजिए जितनी संस्थाएं चल रही हैं इसी आधार पर चल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको जाति का बीज मिल जाएगा। और जो भी आए बाहर से उन लोगों ने यहाँ इस चीज़ को देखा कि ओ यहाँ पर तो इस चीज़ का बीज बहुत तगड़ा है, इसी के आधार पर जो है इसको भुनाया जा सकता है, इसी के आधार पर इसको बांटा जा सकता है। हालांकि ये बटे ही हुए उस आधार पर, भाई जाति के आधार पर तो बटे हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये तो सच्चाई भी है, लेकिन उतनी घृणा नहीं है जितने की घृणा इन लोगों ने डाल दी, दूरियां बढ़ा दी, बीज बढ़ा दिया और दंगे फसाद उस नाम पर कराते रहे, आज भी हो रहे हैं, आगे तो और भयानक होने वाला है, अभी से ज़्यादा भयानक होने वाला है। तो उस आधार पर ही ये धर्मांतरण कराते हैं जातिवाद के आधार। अब हम आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस है, हाँ ये सब जो जिसके भरोसे हिंदू सब बहुत उछलते हैं, सोच रहे हैं कि ये बचा लेंगे, ये कुछ नहीं बचाएंगे, क्योंकि ये सत्ता के भूखे लोग हैं, ये हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए नहीं उत्पन्न हुए हैं, ये तो शासन किस तरह से अपने हाथ में ले लें उसके लिए उत्पन्न हुए, उसके लिए इन्होंने जाल बिछाया। जब तक हिंदू बहुमत बहुसंख्यक है तब तक ये कुछ हिंदुओं की बात करेंगे, संख्या जब घट जाएगी तो फिर हिंदुओं को साइड कर देंगे, फिर दूसरे की बात करने लगेंगे, फिर वो सेकुलर सेकुलर बोलते ही हैं तो वो करने लगेंगे, आज भी कर ही रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी है कुछ पक्ष ले रही है तो हल्का सा हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए भी कुछ कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं करने वाले। अब देखिए इधर देहरादून तरफ पूरा आप उत्तराखंड चले जाइए, वहाँ जो है सब बौद्ध पथ बन रहे हैं और एरोड्रम हवाई जहाज जो है उन सब भी बुद्ध के नाम पर किया जा रहा है, जितने भी नेपाल से सटे इलाके हैं उधर सब बौद्ध चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, सब जगह चल रहा है, बिहार में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। ये एकाएक जो ये बूमिंग हो रही है, ये क्यों बूमिंग हो रही है, ये कहाँ से हो रही है, ये चीन के फंड से हो रहा है। उसी तरह से ईसाई मिशनरियाँ हैं, इतने इतने ईसाई बनाए जा रहे हैं, बहुत क्रिप्टो क्रिश्चियंस तैयार हो रहे हैं, कहाँ से तैयार हो रहे हैं, पश्चिमी देशों से तैयार हो रहे हैं। तो अब इसका समाधान की बात आते हैं, अब समाधान पक्ष पर आते हैं, तो ये सब तो समस्याएं हुई, समस्याएं क्या है, अब समाधान पक्ष पर आते हैं। तो समाधान पक्ष पर है, कई तरह के समाधान आपको लाने पड़ेंगे। पहला एक समाधान तो यह है, सबसे पहले शिक्षित होना और जागृत होना, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करना और दूसरे के ग्रंथों का भी अध्ययन करना, उनके ग्रंथों का अध्ययन करके उसमें आपको खोट निकालना पड़ेगा। ये टेलीविजन देखना छोड़िए, बकवास से कुछ नहीं होने वाला, ग्रंथों का अध्ययन करें, ग्रंथों का अध्ययन करके तब जा करके आप समझेंगे, क्योंकि ग्रंथ ही असली ताकत है, तब अध्ययन करके समझेंगे कि इनमें कहाँ दोष हैं और हमारे ऊपर जो ये दिख रहे हैं उसमें कहाँ गलती है, कहाँ प्रोपेगेंडा है, तो उसका आप खंडन कर सकते हैं अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके। तो एक तो यह करना पड़ेगा जागृति, और जो इस तरह का भेदभाव सोचते हैं कि इस तरह का भेदभाव है तो वे अपना बताएंगे कैसे उनमें भेदभाव नहीं है। हाँ कहते हैं कि
समाज में जो है असमानता है, हिंदू समाज में असमानता है। दुनिया में ऐसी कोई समाज आज तक कोई ऐसा समाज हुआ ही नहीं जिसमें असमानता ना हो, ना ऐसा कभी हो सकता है। कौन ऐसा समाज है जो कि एक बिल्कुल एक एक रस है, एक बराबर है? दुनिया में कहीं कोई समाज है? कहीं कोई समाज नहीं है। असमानता तो इस प्रकृति का नियम ही है, असमान तो लोग रहेंगे ही रहेंगे। आपके ही दो आंखें हैं वो बराबर नहीं है, बराबर ताकत शक्ति नहीं है उनमें। आपके ही दो हाथ है उनमें बराबर नहीं है, दो पैर है वो बराबर नहीं है। तो असमानता तो सदैव रहेगी। आप ही के घर में सारे आदमी बराबर थोड़ी है, भाई बहन माता पिता चाचा चाची सब अलग होंगे, बराबर कोई नहीं होगा। बराबरी इस दुनिया में आप कुछ खोज ही नहीं सकते। दो पानी के अणु भी बराबर नहीं होते हैं, उनमें भी भेद होता है। सीधा सीधे लिख देना कि H2O हो गया, H2O से खाली पानी थोड़ी हो जाता है। हाइड्रोजन एटम वहां पर कहां पर प्लेस्ड है? क्योंकि वहां पर तो रोटेशन में है ना, तो उसका स्पेस क्या है, वहां पर अंतर आ जाएगा। एंगल क्या है उसका अंतर आ जाएगा। कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसका अंतर आ जाएगा। अंतर तो सदैव होगा क्योंकि समानता इस अस्तित्व में है ही नहीं, असमानता ही असमानता है। समानता कहां पर है? जहां पर कि न कोई आकार है, न कोई रंग है, न रूप है, न रस है, जहां कुछ नहीं है वहीं पर समानता है। निराकारत्व में ही समानता है, और अकारत्व में कहीं समानता नहीं है, संभव ही नहीं। तो असमानता तो सब जगह है, सभी समाज में है और रहेगी, है नहीं थी भी, है भी और रहेगी भी। तो यह भारतीय ऋषियों ने समझा इस बात को कि असमानता तो है ही, लेकिन असमानता का अर्थ यह नहीं होता है कि किसी के प्रति जो है दुर्व्यवहार होगा। भाई गेंदा का फूल अलग है, गुलाब का फूल अलग है, गेंदा का गुण अलग है, गुलाब का गुण अलग है, कमल का गुण अलग है, असमानता है, लेकिन है सब फूल ही, सबकी अपनी अपनी विलक्षणता है। उस विलक्षणता को सबको स्वीकार करना है और उसको समझना है और उसको सम्मान भी देना है। सब चीज अलग अलग स्थान पर ही काम आने वाली है। तो असमानता तो सभी समाज का गुण है, चाहे पशु पक्षी ही भी आप ले लेंगे, सारी गायें ही भी ले लें तो क्या गायें सारी एक समान होती हैं? नहीं होती हैं। सारे शेर क्या एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। सारे कौवे क्या एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। तो ना सारे पक्षी समान होंगे, ना पशु समान होंगे, ना कीट पतंगे समान होंगे, कोई भी समान नहीं होने वाला, समानता है ही नहीं। तो इसको यहाँ के ऋषि मुनियों ने समझा और उसके हिसाब से फिर बता दिया कि ये आप ऐसे समान, इसको दो वर्णों में बांटा, उनके गुण के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से। गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्ण, तो उसको वर्ण में और बांटा है। और एक एक व्यक्ति का अपना वर्ण होता है, और इतना ही नहीं व्यक्ति का अपना वर्ण बदलता भी है। यानी आपके जैसे कर्म और विचार बदल गए, आपके गुण बदल गए, तो आपका वर्ण भी बदल गया, यानी अब आप कुछ और हो गए। तो एक ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। उसी तरह से एक शूद्र भी वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम स्पष्टतः कहा गया है। तो ये बिल्कुल अदला बदली की व्यवस्था है, इसको ऋषि मुनियों ने पहचाना, और सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि उन्होंने सबके लिए कहा। उन्होंने वर्ण में सबको बांट दिया, पूरे अस्तित्व को ही बांट दिया, सृष्टि के चरणों में बांट दिया कि सृष्टि के चरण हैं इस तरह से चार प्रकार के, एक एक चीज को इस तरह से उन्होंने बांटा। क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं इस भिन्नता है, सब भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं। जैसे शिशु काल हो गया, बालकपन हो गया, जवानी हो गई, अधेड़ावस्था हो गया, वृद्धावस्था हो गया,
तो ये उन्होंने समझा कि इस तरह से ये चार चार स्टेजेस में मोटे तौर पर ये बटे हुए हैं हर चीज को, तो उन्होंने इसको इस तरह से विभाजित किया। तो इसको कोई कहे कि गलत है, गलत नहीं है, वो चारों स्टेजेस वो सही है अपनी जगह पर। हर कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ के सैनिक नहीं है, जहाँ के शासक नहीं है, जहाँ के शिक्षक नहीं है, जहाँ के कृषक नहीं है, जहाँ दर्जी नहीं है, तो सब जगह ये तो भिन्न भिन्न समाज होते ही हैं। उसका उन्होंने एक वर्गीकरण कर दिया। अब इनको वर्गीकरण से एलर्जी हो गई। अरे वर्गीकरण तो हर जगह होगा ही, चाहे आप बॉटनी भी पढ़ेंगे तो बॉटनी में भी सब वनस्पतियों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। आप अगर जियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां भी बांटा हुआ है, तो वर्ग में तो बांटना ही पड़ेगा, चाहे फिजिक्स पढ़ना चाहे मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, हर जगह वर्ग वर्ग में बांटा हुआ है। अलग अलग भिन्न भिन्न केमिकल्स हैं, उसका एक अलग ग्रुप है। तो इस तरह से ये इसको ऋषि मुनि ने समझाया है कि यही वास्तविकता है, तो वास्तविकता से ऐतराज तो होना नहीं चाहिए, वास्तविकता को समझिए। और उसको कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए, कोई शर्म भी की कोई बात नहीं है, वो तो वास्तविक स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। लेकिन उसको ये भरमाते हैं, कहते हैं कि एकता है, एकता है हमारे यहाँ। कौन सी एकता भाई? एकता है तो इतने इतने संप्रदाय कैसे हो गए? आप बौद्धों में भी देखेंगे तो बहुत सारे संप्रदाय हैं। हीनयान संप्रदाय है, महायान संप्रदाय है, कहाँ आ गया वज्रयान संप्रदाय है, स्वतांत्रिक है, कैसे कैसे हो गए इतने इतने संप्रदाय, फिर कैसे बट गए, फिर उसमें फिर अलग अलग ग्रुप बन गए। तो सभी में ग्रुप हैं, चाहे ईसाई में रखेंगे तो वहाँ भी कई ग्रुप खड़े हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस अलग हैं, तो सब बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो उनके बहुत सारे भिन्न भिन्न ग्रुप हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे पंथ हैं भाई, सूफी अलग ही है, वहाबी अलग हैं, शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं, तो सब बहुत सारे ग्रुप हैं सभी में, 73 फिरके हो गए बताते हैं। तो कहाँ से हो जाते हैं सब? अगर समानता होती तो इतने नहीं होते, सबकी मस्जिदें अलग हैं, सबके चर्च अलग हैं, तो सबके पूजा के तरीके अलग हैं, बौद्धों में भी अलग अलग बना लिए हैं, तो ये बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मनुष्य अलग अलग सोच का प्रवृत्ति का होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं उनके, अलग अलग उनका झुकाव होता है, उसके हिसाब से भी अलग ग्रुप बना ही लेते हैं। ग्रुप बनेगा ही बनेगा, खेल के स्तर पर लोग बना लेते हैं, अलग अलग क्लबें बने हुई हैं, कोई किसी क्लब का सपोर्टर है, कोई किसी क्लब का सपोर्टर है, कोई फुटबॉल का सपोर्टर है, कोई क्रिकेट का सपोर्टर है, तो आपको अलग अलग तरीके से फैन मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके से समर्थक मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। तो यह तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, तो इससे कोई गुरेज नहीं है। अब बात जो मैं समाधान की कर रहा था, तो समाधान क्या है? सबसे पहले इसके विभाजन से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है आपको वह देखना है। इस विभाजन से सबसे ज्यादा फायदा होता है दो प्रकार के नेताओं को। कौन? राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता। ये उन लोगों का कांड होता है। तो इन दोनों को, राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता, इन दोनों को अस्त्रों को समझने के बाद इन दोनों को हटाने की व्यवस्था करनी है। इन दोनों का ग्रुप को, इन दोनों की मजबूती को तोड़ना है, इनको समाप्त करना है, तभी यह समाज मुक्त होगा। बाकी बात यहां सिर्फ हिंदुओं के लिए है। फिर मुसलमानों को देखिए, जब वहां मुसलमान जो कोई बन गया है, जब मुसलमान हो चुके हैं, अब वहां देखिए कितनी दुर्दशा है। पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान की हालत क्या, भीख मंगाई की हालत हो गई है वहां, स्त्रियों की हालत देखिए। अफगानिस्तान में देखिए, वे अच्छे होते भाग भाग के भारत आना चाहते, नहीं आना चाहते। ईसाइयों की दुर्दशा हो रही है। अब ईसाई अगर सही होते तो क्यों ईसाई छोड़ करके फिर हिंदू बनते? वहां ईसाई सब हिंदू बन रहे हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, क्यों बनना चाह रहे हैं?
क्योंकि वहां को घुटन हो रही है, वहां उसको सच्चाई जान गए हैं, बाइबल की सच्चाई जान गए कि बाइबल एक फ्रॉड एक ग्रंथ है और कुछ नहीं है, खाली झूठ का पुलिंदा उसमें है और थोड़े बहुत जो है नैतिक शिक्षाएं बस, और है क्या उसमें। तो जब उस चीज को आदमी पढ़ेगा जान जाएगा तो फिर वहां से भागेगा, फिर कहीं ना कहीं तो तलाश करेगा वो कुछ ना कुछ बेहतर। तो फॉर्जरी तो हर जगह फिर है। तो कहने का मतलब है कि इन दो का निपटारा करना पड़ेगा। तो पहला निपटारा राजनीतिक पार्टियों को करना पड़ेगा, यानी हमें राजनीतिक पार्टियों को ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रहेंगे वोट के लिए परेशान रहेंगे, ये वोट के लिए ग्रुप खोजेंगे क्योंकि इनको एक मुफ्त वोट चाहिए होगा। तो इनको समाप्त करना है, राजनेताओं की सत्ता को ही समाप्त करना, इसका समाधान पहला समाधान तो यही है। और भारत में ही नहीं, चीन में भी, हर जगह समाप्त करना है। और सत्ता किसकी लानी है? जनता की लानी है। राजनेताओं की सत्ता समाप्त करके जनता की सत्ता, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कैसे होगा? कंप्यूटर और स्मार्टफोन के जरिए जनता का सीधा शासन, यानी कोई भी जो कानून बने वह जनता के द्वारा पास हो, जनता ही कानून बनाए। पहले तो नेताओं को उसमें भागीदार बनाना है कि भाई पार्लियामेंट से पास हुआ, फिर जनता के बीच में पास होगा, बाद में इनको हटा दिया जाए, इनकी जगह पर सिर्फ जो है जनता के द्वारा ही बनाया जाए। तो एक चीज तो यह जरूरी है। दूसरा, जो इनका मुख्य आधार है, जिस आधार पर ये जो है प्रहार करते हैं, जातिवाद वाला व्यवस्था, उसके लिए क्या करना है कि स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर देना कानून बनाकर। ऐसा जब कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जातिवाद ही नहीं रहेगा। तोड़ोगे किस आधार पर? किस आधार पर कहोगे कि आ जाओ मुसलमान बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तुम्हारे साथ भेदभाव होता है, ये पलना टिकना, चलो कोई जाति नहीं है हमारे में। तो स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो इससे क्या होगा? हर जाति दूसरे जाति से विवाह, अंतरजाति विवाह होंगे। अंतरजाति विवाह होते क्या हो जाएगा? जातिगत भेद जो है उस तरह का समाप्त हो जाएगा, जिस तरह का भेद अभी दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दो समाधान है, इससे जो है जितने सामाजिक नेता बनते हैं उनका भी काम खत्म हो जाएगा, जो धार्मिक नेता बनते हैं उनका काम तो खैर फिलोसफी खत्म कर देगी, वो तो दर्शन शास्त्र, वो तो फिर शास्त्रार्थ पर आएंगे, बहस आएंगे, तो उनका समापन हो जाएगा। लेकिन जो जात के आधार पर जो है अपना अनुयायी बनाना, धर्म चलाना जो कर रहे हैं, तो उनका भी काम खत्म हो जाएगा। एकमात्र जो आधार होता है बस वो ही जाति है, क्योंकि वे शास्त्रार्थ तो कभी कर ही नहीं सकते। हिंदू का फिलोसफी इतना मजबूत है कि वे कभी आगे बहस कर ही नहीं सकते, और उनकी फिलोसफी इतनी कमजोर है कि उसके तो कोई भी बखिया उधेड़ दे, एक बच्चा भी। तो इसलिए वे कभी भी शास्त्रार्थ पर नहीं आते। आप कभी देखे हैं कि कभी वे चुनौती स्वीकार करते हैं कि चलो आओ बहस कर लो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ में क्या है, इसी पर बहस कर लो। वे सदैव जाति की ही बात करेंगे, क्योंकि वे फिलॉसफी की बात नहीं कर सकते कि उनके यहां क्या है, वहां पर ईश्वर आत्मा और जीव इस सब के विषय में कभी वे चर्चा कर ही नहीं सकते, ना उनके पास कोई साधनाएं हैं ना कुछ है, एक फ्रॉड है वे सब, एक ग्रुप बनाए हुए और क्या है। भाई एक गॉड है उसकी पूजा करो, एक अल्लाह है उसकी पूजा करो, यही एक वक्ते हैं, इसके अलावा उनके पास क्या है? और ये इस पर भी बहस नहीं करने को तैयार है। उस एकेश्वरवाद बहस कर ले सनातन धर्म से, सनातन धर्म तो कहता है कि अनंत है, ईश्वर अनंत है, वे कहते हैं ईश्वर एक है, चलो इसी पर बहस कर लो। तुम्हारा ईश्वर एक है, दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, फिर तुम अपने ईश्वर को सर्वशक्तिमान कैसे कहते हो भाई? तुम्हारा ईश्वर जब साकार नहीं हो सकता तो फिर वह ईश्वर कैसे है वह बताओ, क्योंकि उसमें तो वह क्षमता ही नहीं है। तो ये तो कभी बहस कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो कभी भी मंच पर नहीं आए, आज तक नहीं आए, ना कभी आएंगे, ये इसकी भी मैं चुनौती देता हूं, ये कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये इस पर बहस करते हैं। तो इस तरह से हमें राजनेताओं की सत्ता को समाप्त करना है और ऐसा कानून बनाना जिससे जातिवाद समाप्त हो जाए। परंतु राजनेताओं की सत्ता समाप्त कैसे होगी, अब प्रश्न उठता है। इसके लिए जनता राज पार्टी बनी हुई है। जनता राज पार्टी का उद्देश्य है सभी नेताओं को समाप्त करना। तो आप लोग उस जनता राज पार्टी का समर्थन कीजिए तो ऐसा काम होगा।
जन आंदोलन करना है, तो जनता राज पार्टी को इसी उद्देश्य से ही बनाया गया है, नेताओं को समाप्त किया जाए, जातिवाद को समाप्त किया जाए और गरीबी को समाप्त किया जाए। तो अगर आप लोग उसका समर्थन कर देते हैं तो उस स्थिति में वह काम हो सकता है, अन्यथा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है। बाकी जो शॉर्टकट जो रास्ते लोग सोच रहे हैं वे सब झूठे रास्ते हैं, उसे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला हमारी समझ से। यही वास्तविकता है। हरिओम।